दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे HVAC के बारे में। आइए समझते हैं HVAC क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, HVAC के अंदर मेन जो होते हैं हमारे चार पार्ट होते हैं, चार साइकिल भी कह सकते हैं इसको हम। हमारा साइकिल स्टार्ट होता है हमारा, जैसे पहला कंडेंसर हो गया, दूसरा हमारा एक्सपेंशन वाल्व हो गया, तीसरा हमारा इवापोरेटर या चिलर हो गया, और चौथा हमारा कंप्रेशर हो गया। दोस्तों, क्या होता है कि जो कंप्रेशर होता है, कंप्रेशर के अंदर सबसे पहले हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो वेपर होता है वो उसको कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेजता है, यानी कि जो गैस हमारे पास आ रही है वो उसको कंप्रेस करके और जो डिस्चार्ज लाइन से उसको वो कंडेंसर में भेज देता है। अब कंडेंसर में क्या होता है दोस्तों, कंडेंसर में दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा सेल टाइप होता है, एक हमारा ट्यूब टाइप होता है। ट्यूब टाइप में क्या होता है, उसके अंदर पानी होता है, और सेल टाइप के अंदर जो हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेशन आ रही है, वेपर रेफ्रिजरेशन आ रही है, वो होता है। अब क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो ऊष्मा की हमारी संवहन विधि होती है कि ऊष्मा का प्रभाव हमेशा जो है कम ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ जाता है। उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कंडेंसर के ट्यूब में पानी का जो टेम्परेचर होता है वो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ट्यूब का पानी होता है वो वेपर रेफ्रिजरेशन की गर्मी को सोख लेता है, यानी एब्जॉर्व कर लेता है उसको दोस्तों। इसके कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इसको हम लोग यहाँ कंडेंसेट कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद ये जो रेफ्रिजरेटर यानी जो गैस होती है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है। अब ये हमारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में आ चुका होता है, अब लिक्विड लैंड से हमारा ये वहाँ तक पहुँचता है। अब दोस्तों क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंशन वॉल्व होता है, एक्सपेंशन वॉल्व मतलब जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि हमें कितना प्रेशर की ज़रूरत है उसको उसी तरीके से आगे वो भेजता है। एक्सपेंशन वॉल्व उसी तरीके से प्रेशर की मेंटेन करते आगे बढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट होता है, अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर लो टेम्परेचर कहाँ से होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से कि ये आगे जो है हमारा एक्सपेंशन वाल्व तक पहुँच रहा है, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर में पहुँच रहा है दोस्तों। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट साइकिल होती है, ये जाता है चिलर साइड में। चिलर यानी कि जो हमारा इवापोरेटर भी हम इसको बोलते हैं, ये जाता है वहाँ पे। अब चिलर में भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों, हमारा चिलर में भी दो होते हैं, एक ट्यूब होता है, एक हमारा शेल होता है। तो जो चिलर का जो सेल होता है दोस्तों, उसके अंदर पानी होता है हमारा, और ट्यूब में जो होता है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेशन होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा ऊष्मा की संवहन विधि जो होती है उसमें क्या होता है कि ऊष्मा हमेशा उच्च प्रभाव से निम्न प्रभाव की तरफ जाती है। उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है वो पानी के टेम्परेचर से कम होता है, जिससे क्या होगा कि वो जो पानी की गर्मी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिसके कारण क्या होता है जो चिलर के अंदर हमारा पानी है वो ठंडा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं, आप डायग्राम में इसको देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि हम लोग डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा जो होता है कंडेंसर वाला साइकिल होता है। अब इसमें कंडेंसर में क्या होता है दोस्त, इसके अंदर जो मेन एसेसरीज होती है वो हमारा इसके पंप्स होते हैं, इसके कूलिंग टावर होते हैं। अब होता है क्या है दोस्त, ये जो हमारा पंप होता है कूलिंग टावर का जो पानी जो है लेके उसको कंडेंसर में भेजता है। अब कंडेंसर के ट्यूब में क्या होता है, कूलिंग टावर का ठंडा पानी होता है, और सेल में क्या होता है दोस्तों, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का हमारा रेफ्रिजरेशन होता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपेंशन जो होती है हमारी, यानी कि ऊष्मा की संवहन विधि के हिसाब से पानी जो होता है रेफ्रिजरेंट की गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे रेफ्रिजरेंट जो होता है वो कंडेंसेट हो जाता है, और पानी का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है, और वो ठंडा होने के लिए फिर से दोबारा कूलिंग टावर में चला जाता है दोस्तों। अब कूलिंग टावर भी आपने देखा होगा, वो डेल्टा टाइप या इस प्रकार से आता है, आपने जनरली इसको टेरिस पे देखा होगा या किसी ओपन एरिए में ही देखा होगा, कि कभी भी अंडरग्राउंड या इस तरीके से क्लोज सर्किट में इसको नहीं रखा जाता है, इसको हमेशा ओपन सर्किट में रखा जाता है। ओपन सर्किट में इसलिए रखा जाता है कि दोस्तों जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो फ्रेश एयर है उसको मिलती रहे, उसमें एयर आने में कोई दिक्कत ना हो। तो पानी यहाँ जो होता है वो सिंपली जो है ठंडा होता है, और क्या होता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो होते हैं स्प्रिंकलर लगे होते हैं और फिंक्स लगे होते हैं, हवा स्प्रिंकलर्स होता है पानी फिंक्स के थ्रू जो है, और हवा सराउंडिंग से हमारे चारों तरफ आती है, और पानी हवा के संपर्क में आता है वो ठंडा होता जाता है दोस्तों। तो अब जो है इवापोरेटर का भी फंक्शन डिटेल में समझते हैं। अब इवापोरेटर में क्या होता है दोस्तों, इसके साथ हमारे जो कनेक्टेड होते हैं ऑक्सिलरीज होते हैं वो हमारे इसके इवापोरेटर के पंप होते हैं, और इसका वो HU पार्ट होता है हमारा, और इसके साथ ये एक्सपेंशन टैंक भी हम लगा देते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसमें जो सेल टाइप और ट्यूब टाइप होते हैं, अब इसमें होता है क्या दोस्तों कि जो है चिलर का ठंडा पानी जो होता है वो पंप जो है सक करके HU के जो है कूलिंग टावर में भेज देता है, कूलिंग कॉयल में भेज देता है दोस्तों,
और एच यू में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो है सबसे पहले एक ब्लोअर लगा होता है जो कि एच यू को चलाने का काम करता है। अब ब्लोअर के साथ दोस्तों एक बी बेल्ट लगी हुई होती है जो उसको टेंसाइल कंडीशन में मेंटेन करके रखती है। अब होता है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ की जो होती है वो रिटर्न एयर को सक करता है। अब यहाँ आपने कभी भी देखिएगा दोस्तों एच यू जो रूम होता है वहाँ पर रिटर्न एयर आ रही है उसको सक करता है। अब होता क्या है, कोयल में जो पानी का जो टेम्परेचर कम होता है उससे क्या होता है कि एयर की गर्मी को वो फिर से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो हमारी रिटर्न एयर होती है ठंडी हो जाती है और इसको आगे भेज देते हैं, और जो दोबारा कोयल के पानी को चिलर में ठंडा होने के लिए भेज देते हैं। ये पानी जो है हमारा जो है सेल साइड में ही जाता रहता है दोस्तों, और जो चिलर के ट्यूब में होता है वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेटर भी होता है। अब रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पानी के टेम्परेचर से कम होता है उससे क्या होता है, फिर से ऊष्मा की संवहन विधि के माध्यम से वही होता है कि जो पानी की गर्मी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी के पंप के थ्रू जो है वो कूलिंग टॉवल में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, कई बार आपने देखा होगा कि ये जो पानी कई बार हमारे चिलर के अंदर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम कई बार बढ़ जाता है, कई बार वॉल्यूम कम हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा जब हम चिलर बंद करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और चल रहा होता है उसका वॉल्यूम कई बार कम हो जाता है। तो दोस्तों इस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है एक्सपेंशन टैंक भी लगा देते हैं। एक्सपेंशन टैंक में क्या होता है कि जब पानी चिलर में पानी ठंडा हो जाता है तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाता है, यानी आपको मालूम है ये ठंडा होने से उसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि चिलर को और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पानी हम लोग दोस्तों एक्सपेंशन टैंक से ही प्रोवाइड कर लिया जाते हैं, और उसी कंडीशन में जब ये जो है हमारा पानी जो है जब हम बंद करेंगे चिलर तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो दोस्तों इसको हम लोग फिर से वहाँ पर भेज देंगे। अब आगे का जो हमारा दोस्तों जो लास्ट फंक्शन होता है वो हमारा एयर साइकिल होता है, जो कि एसेसरीज़ के साथ कनेक्ट होता है। अब उसकी एसेसरीज़ क्या क्या होती है दोस्तों, जो है उसको आप उसके मेन पार्ट्स बोल सकते हैं। तो उसका हमारा सबसे मेन जो पार्ट होता है एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, उसके बाद हमारे डक्ट लगे होते हैं एयर के लिए, रिटर्न एयर के डक्ट लगे होते हैं, एयर डिफ्यूज़र लगे होते हैं, रिटर्न एयर डिफ्यूज़र लगे होते हैं दोस्तों, और फ्रेश एयर के लिए भी एक डक्ट लगा देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि हम सप्लाई देते हैं ब्लोअर को और ब्लोअर घूमना शुरू कर देता है। अब ब्लोअर का जो होता है वो क्या करता है, जो कमरे की रिटर्न एयर है उसको सक कर लेता है। अब रिटर्न एयर क्या होगा कि एच यू के फिल्टर से पास होता है, तो एच यू का फिल्टर क्या होता है दोस्तों, उसके जो भी डस्ट पार्टिकल फिल्टर हमारा जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, जितने भी अगर कोई पार्टिकल होते हैं तो वो वहाँ से क्लीन कर देता है, यानी फ़िल्टर कर देता है, जिससे हमारी फ्रेश एयर जाती है वहाँ पर दोस्तों, एयर में कोई भी पार्टिकल इस प्रकार के नहीं होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, वो ठंडी हवा जो है हमें जहाँ भी देना होता है वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं, और वहाँ से क्या होता है दोस्तों हमारी रिटर्न एयर होती है जो कि रिटर्न एयर डक्ट के थ्रू आ जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो रिटर्न एयर आती है दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एच यू रूम में जो है एक फ्रेश एयर का ऑप्शन भी देते हैं, उससे क्या होता है ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जिससे कि हमारा एयर सर्कुलेशन ठीक रहता है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसके अलावा हम लोग जो गैस यूज़ करते हैं इसमें R134a करते हैं, पहले हम लोग R22 यूज़ करते थे लेकिन कोटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत R22 बंद कर दी गई वर्ल्ड वाइड, और हम अब लोग R134 ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद आई होगी, इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारी जो है चैनल का बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।